Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online class on YouTube channel. In this session I will teach you social science, जो कि class 5 के लिए है, जिसमें chapter 8 हम लोग पढ़ रहे हैं. उसका part 2 आज हम लोग पढ़ेंगे. Part 1 पहले हम लोग पढ़ चुके हैं. Chapter का नाम है वो अगर Greenland. Greenland एक country है, एक स्थान है जिसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं. Land of ice and snow, मतलब ice और snow का land है, जहाँ पे कुछ आपको और देखने को नहीं मिलेगा, ना आपको लैंड मिलने को देखने को मिलेगा, मतलब सॉइल वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही आपको प्लांटेशन वगैरह देखने को मिलेगा, मतलब वनस्पति वगैरह देखने को मिलेगा. कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग है जो यहाँ पे लिख दिया मैंने, आप लोग उसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा. तो चलिए देखते हैं. हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हम लोग पढ़ चुके थे ग्रीनलैंड का कैसा ट्रांसपोर्टेशन. अब यहाँ पे पॉलिटिकल, मतलब जो यहाँ पे ये है कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं. राजनीति बारे में हम लोग जानते हैं, वहां का गवर्नमेंट वगैरह कैसा है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं. ग्रीनलैंड हेड ऑफ स्टेट इज द डेनिश मोनार्क करंटली मेजर विद सेकंड. जो मतलब ग्रीनलैंड का जो हेड है वो डेनिश मोनार्क है, मतलब राजा है, डेनिश का राजा है, जो कि डेनमार्क में जो राजा राज करते हैं उसको डेनमार्क के लोगों को डेनिश बोला जाता है, और वहां के राजा को डेनिश मोनार्क बोलते हैं. तो यहाँ का जो हेड है ग्रीनलैंड का जो हेड है वो मतलब कौन है, वो ग्रेनिश मोनार्क है, मतलब ग्रेनिश का राजा है. द क्वींस गवर्नमेंट इन डेनमार्क अपॉइंटेड ए रिक्समवर्थमैन हाई कमिश्नर रिप्रेजेंटेटिंग द डेनिश गवर्नमेंट एंड मोनार्की. अब देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है डेनिश का, जो डेनमार्क जो डेनमार्क जो का जो गवर्नमेंट है, वहां का जो वहां की जो क्वीन है, वहां के क्वीन यहाँ पे कुछ अपना प्रतिनिधि, मतलब हाई कमिश्नर यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हुए हैं, यहाँ पे नियुक्त किए हुए हैं, अपॉइंटेड किए हुए हैं, जिससे यहाँ का गवर्नमेंट चलता है. ग्रीनलैंड हैज एन इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ 31 मेंबर. यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, संसद है, यहाँ उस संसद में सीटें कितने हैं, यहाँ पे 31 सीटें हैं. यहाँ पे द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज यूजली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट. द करेंट प्राइम मिनिस्टर इज किम केल्सन. ये अलेक्वा हेमंत जो लिखा हुआ है आप लोगों का, वो करेंट नहीं है, वो पहले थे, अब हो गए हैं किम केल्सन. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो सरकार जो इलेक्टेड होती है यहाँ पे, उसी सरकार से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, मोस्टली उसी सरकार से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, मतलब जो सरकार जीतती है चुनाव में उसी सरकार से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. और यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसका क्या बोलते हैं, जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. अनलाइक डेनमार्क ग्रीनलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. डेनमार्क के विपरीत ग्रीनलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है. डेनमार्क है पार्ट, मगर ग्रीनलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है. हैविंग लेफ्ट द यूरोपियन कम्युनिटी वन ऑफ द पिलर ऑफ यू इन 1985. तो ये मतलब ये 1985 में इसको छोड़ दिया है, यूरोपियन कम्युनिटी को छोड़ दिया है. अब वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जंगली मतलब जानवर वगैरह क्या है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में कौन कौन से जानवर यहाँ पे रहते हैं. ओनली दोज एनिमल दैट कैन विदस्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड एंड आर फाउंड हियर अदर दे फाउंड हियर. वैसे ही प्राणी, वैसे ही जानवर यहाँ रह सकते हैं जो यहाँ की अत्यधिक कठोर जो होता है, मतलब ठंड जो रहता है उसको झेल सके. ऐसा जीव नहीं रह सकता है वहां पे, ऐसा जंगली जानवर नहीं रह सकता है जो कि अत्यधिक ठंडी को नहीं झेल सकता, क्योंकि वहां पे साल के मतलब 365 दिन बर्फ जमा हुआ रहता है. वहां पे बहुत कम दिन वहां पे आपको सूरज देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा दिन आपको मतलब वहां पे सूरज उगता भी नहीं है. तो इस तरह से वहां का जो कंडीशन क्लाइमेट जो है वो बहुत ही हार्श है, बहुत ही एक्सट्रीम है. तो इसके कारण वैसे ही जानवर वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं जो उस कंडीशन को, उस क्लाइमेट को अपने मतलब सहन कर सके, उसको टॉलरेट कर सके. फर बियरिंग एनिमल लाइक रेनडियर पोलर बियर मस्क ऑक्सन हस्कीज वाटर रशेस
एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जिसको फर होते हैं, मतलब उसका जो मतलब बाल होता है एनिमल का, उसको फर बोला जाता है। जिसके पास बहुत ज्यादा बाल होते हैं वैसे ही जीव वहां पे रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाल जो होता है वो हम लोगों के शरीर को प्रोटेक्ट करता है अत्यधिक गर्मी अत्यधिक सर्दी से, वो हम लोगों के शरीर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे भालू वगैरह को आप लोग देखते होइएगा, भालू वगैरह के पास बहुत बाल होते हैं, और यहाँ के जो भालू रहते हैं उसको और भी ज्यादा बड़े बाल होते हैं और बहुत डेंस बाल होते हैं, बहुत डेंस हेयर रहते हैं उन लोगों के पास। तो ऐसे ही जीव जैसे रेनडियर, एक बालसिंगा होता है, रेनडियर होता है, हिरन होता है, पोलर बियर मतलब धूप पे जो रहने वाला बियर आता है, भालू रहता है उसको पोलर बियर बोला जाता है। मस्क ऑक्सन, हस्की मतलब एक कुत्ता टाइप का प्राणी रहता है, जो कि कुत्ता और लोमड़ी फॉक्स दोनों के बीच का रहता है, तो उसको हस्की बोला जाता है। वाल ब्रसेस एक मतलब क्या बोलते हैं, एक जानवर रहता है तो वहां पे रहता है। द हस्की आर टेम्ड एंड यूज्ड इन हंट, हस्की जो रहता है उसको वहां के लोग पालते हैं और उसको हंटिंग के रूप में यूज करते हैं। द कोस्टल एरिया लुक लाइक बर्ड सेंचुरी ड्यूरिंग द समर व्हेन मिलियंस ऑफ बर्ड मूव इनटू दिस लैंड। अब देखिए यहाँ पे जो तटीय इलाके हैं वहां पे गर्मी के सीजन में बहुत बड़ी मात्रा में पक्षियां मतलब आती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ समय रहती है जब तक यहाँ पे गर्मी रहता है, उसके बाद यहाँ से फिर से चली जाती है। तो वो जो गर्मी के समय में वो जो मतलब जहाँ पे पक्षियां वगैरह आती हैं, बर्ड्स वगैरह आती हैं, वो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। पीपल एंड देयर लाइफ, पीपल्स कैसे हैं वहां पे देखते हैं। ग्रीनलैंड इज रेली थिनली पॉपुलेटेड, वहां पे बहुत कम मात्रा में आदमी रहता है, जनसंख्या बहुत ही कम है, इंटीरियर एरिया है, प्रैक्टिकली नो पॉपुलेशन। इंटीरियर एरिया जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा कड़क ठंडी पड़ती है वहां पे लगभग ना के बराबर पॉपुलेशन है। मोस्ट पीपल लिव अलोंग द साउथ वेस्टर्न कोस्ट के किनारे किनारे ही लोग लगभग रहते हैं। द एस्किमस, एस्किमस मतलब एक प्रजाति है, एक समुदाय है जो वहां के लोगों को एस्किमस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत ही जनजाति, यहाँ पे बहुत ज्यादा कास्ट वगैरह हम लोग के इंडिया में, तो हर एक कास्ट को हर एक तरह से बोला जाता है। उसी तरह जैसे कोई यहाँ का आदिवासी है, कोई यहाँ का कोडवान है, इस तरह का वहां पे एस्किमस जो होते हैं वो वहां के लोग होते हैं, वहां के समुदाय लोग होते हैं। आर द नेटिव पीपुल ऑफ द ग्रीनलैंड, यहाँ के जो नेटिव पीपुल हैं, जो ग्रीनलैंड का ओरिजिनल पीपुल है, उसको एस्किमस बोला जाता है या एस्किमस है। अ फ्यू यूरोपियन ऑल्सो लिव हियर, कुछ यूरोपियन कंट्री के भी लोग यहाँ पे आके रहते हैं। द एस्किमस आर अ शॉर्ट एंड स्टाउट पीपुल, वो छोटे कद के होते हैं और साथ में ही बहुत बलिष्ठ लोग रहते हैं एस्किमस। दे हैव फ्लैट फेसेस विद नैरो ब्लैक आईज, उनका जो फेस रहता है वो फ्लैट रहता है, लगभग मतलब नाक वगैरह लोगों के पास ज्यादा ऊंची नाक नहीं रहती है, एकदम चपटी नाक रहती है, वो आंखें वगैरह जो रहती है बहुत छोटी रहती है। दे हैव अ कॉपर येलो कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग रहता है वो कॉपर येलो मतलब तांबे का जो रंग रहता है उस तरह का उनका रंग रहता है। देखने में आपको थोड़ा थोड़ा लाल लगेगा और थोड़ा थोड़ा पीला, मतलब दोनों का मिक्स का जो रंग रहता है उन लोगों का वैसा रंग रहता है। द एस्किमस हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू हार्श कोल्ड क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड, यहाँ का जो ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है उसको एस्किमस लोगों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, उसका मतलब उसको प्रतिकूल कर दिया, अनुकूल कर लिया उसको अपने, उसको यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको यहाँ के लोग अडेप्ट कर चुके हैं, अनुकूलित कर चुके हैं। फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स दे लिव बाय हंटिंग फिशिंग ट्रैपिंग, बहुत लंबे समय से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? हंटिंग करके रहते हैं, फिशिंग करके, ट्रैपिंग करके रहते हैं, इससे उन लोगों को खाना मिलता है और रोजगार मिलता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ मेड ऑफ सील स्किन, सील एक प्राणी होता है जो कि समुद्र वगैरह में रहता है, तो उसके उसके स्किन से यहाँ के लोगों का कपड़ा बना हुआ रहता है, मतलब यहाँ पे जो कपड़ा मिलता है वो सील के स्किन से बना रहता है। क्यों? क्योंकि सील का स्किन बहुत ही मोटा होता है और साथ ही वो बहुत ही गर्म रहता है, तो गर्म यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो मतलब लोग रहता है उनको गर्म कपड़े की जरूरत होती है, तो सील की स्किन को बनाया जाता है। तो कोट एंड जैकेट हैड हुड ऑफ कवर द हेड, हुड मतलब होता है जो कवर को हेड करने, मतलब हेड को कवर करने वाला जो टोपी वगैरह जो जैकेट
It is called parka. Parka bola jata hai. They wear trousers and house shoes made of skin. वो shoes वगैरह जो वहाँ पे skin से ही बना हुआ रहता है, वो high shoes रहता है, मतलब छोटा shoes में जाता है, जैसे अंग्रेज लोग जो घुटने तक का shoes जो पहनते थे, उस type का shoes वहाँ के लोग पहनते हैं. During the summer, the Eskimos live in tent made of skin and bone. समर के समय में Eskimos जो tent वगैरह पे रहते हैं, वो tent वगैरह किससे बना हुआ रहता है? बोन और स्किन से बना हुआ था, हड्डियों और चमड़ियों से बना हुआ रहता है. देश टेंट का कॉल्ड टॉपिक्स, टॉपिक्स इस टेंट को बोला जाता है. इन सीवियर विंटर दे लिव इन सॉग हाउसेस, सॉग हाउसेस में रहते हैं विंटर में. देश हाउसेस हैव अ टॉप लेयर ऑफ सॉइल हेल्प टुगेदर विद द रूट ऑफ ग्रासेस. ये जो सॉग हाउसेस रहते हैं, इनका जो छत रहता है, वो जो छत बना हुआ रहता है, वो मिट्टी और घास फूस से मिलके बना हुआ रहता है, मतलब दोनों मिक्स होता है, उसके बाद उसके छत पे डाला जाता है, जिससे क्या होता है, वो मतलब जो भी सूरज का रोशनी आता है, वो उसको संचित, मतलब उसको ये कर लेता है, अपने आप में संचित कर लेता है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा गर्मी का अनुभव होता है. इन सम प्लेसेस एस्किमोस बिल्ड हाउसेस ऑफ बीक्स ऑफ स्नो एंड आइस. कुछ जगह पे जो ये लोग एस्किमोस लोग, वो मतलब क्या बोलते हैं, बर्फ के ईंटों से घर बनाते हैं. सच हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज. ये जो बर्फ के ईंटों से जो घर बनाते हैं, उसको मतलब इग्लूज बोला जाता है. इन साउथर्न ग्रीनलैंड वुडन हाउसेज एंड फ्लैट आर कॉमन. साउथर्न ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड का जो साउथ वाला पार्ट है, वहां पे लकड़ियों का घर बनाया जाता है. एस्किमोस बर्न द फैट ऑफ वेल्स एंड सी एज फ्यूल. जो यहाँ पे ईंधन जो उपयोग में लाया जाता है, वो कैसा ईंधन रहता है, यहाँ पे जो वेल वगैरह, वेल मछलियां वगैरह जो होती हैं, या सील्स वगैरह जो रहता है, उसका जो फैट होता है, चर्बी होता है, उसको यहाँ पे ईंधन के रूप में यूज किया जाता है. एस्किमोस नोन अबाउट द हैबिट ऑफ द एनिमल दे हंट. अब देखिए, ये लोग बहुत लंबे समय से शिकार करते आ रहे हैं एस्किमोस लोग, तो इन लोगों को पता है लोगों का बिहेवियर कैसा है. मतलब वहां पे जो जानवर रहते हैं बहुत कम मात्रा में रहते हैं, और बहुत जनसंख्या कम है, तो लोगों को पता है कौन सा जानवर किस तरह का बिहेवियर रखता है. तो जैसे भालू लोग जो रहता है, वो भालू लोग ठंडी के समय में हाइबरनेशन में चला जाता है, जिसके कारण वो गुफा बना रहता है, और गुफा में छोटा सा छेद छोड़ देता है, मतलब होल छोड़ देता है, जिसके थ्रू वो सांस ले पाता है. तो वो जो छेद रहता है, उसके थ्रू ये लोग मच्छी वगैरह से यूज करके और उसको मारते हैं, उसका शिकार करते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं, या उसका जो भी करते हैं, मतलब खाते हैं और बहुत सारी चीजों में उसका प्रयोग करते हैं. तो इस तरह से वो लोग जानते हैं कि किस जानवर को कैसे हैंडल किया जाता है. अ सील स्विमिंग अंडर आइस ऑफ पोलर बियर ऑलवेज मेक अ होल इन द आइस फॉर ब्रीदिंग. एस्किमोस वे नियर सच होल एंड किल देयर एनिमल. एस्किमोस आर ककायर फॉर हंटिंग सी एनिमल. दे ऑल्सो यूज अ बिग बोट कॉल्ड एन अमेक फॉर वेलिंग. अब देखिए, वो बोट वगैरह, दाम वगैरह भी बनाते हैं, जिसको अमेक बोला जाता है वहां की भाषा में. एस्किमोस ऑल्सो हंट फॉर बियरिंग एनिमल सच एज बियर, रेनडियर, आर्कटिक वॉल्फ, फॉक्स एंड हियर. इस सब का वो लोग शिकार करते हैं. टू ट्रेवल द एस्किमोस यूज विलनेस कार्ट नोन एज स्लेज. ये जो विलनेस कार्ट जो होता है, मतलब ऐसा गाड़ी, या ऐसा मतलब एक गाड़ी होता है, या बैलगाड़ी जो हम लोगों का रहता है, उसमें बैल भी रहता है, और पीछे जो वाला जो पार्ट रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है, तो उसमें व्हील लगा हुआ रहता है हम लोगों का. मतलब वहां के लोगों में व्हील नहीं लगा हुआ रहता है, वहां में ऐसे ही सिंपल सा स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्या यहाँ पे रस्सी बता रहता है, या कुछ मान लीजिए लोहे का लगा रहता है. यहाँ से कुत्ते वगैरह, ये जो हस्ती वगैरह को खींचते हैं, या रेनडियर वगैरह इसको खींचते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बर्फ रहता है, और बर्फ पे फिसलन बहुत अच्छे से हो पाता है. तो इसका जो नीचा वाला पार्ट रहता है, उसको बहुत ज्यादा ही स्लिपरी बनाया जाता है, मतलब फिसलन वाला बना दिया जाता है, ऐसा सेव किया जाता है, तो अच्छे से फिसल सके. और इसको कौन खींचता है, हस्ती वगैरह, कुत्ते वगैरह खींचते हैं, या रेनडियर वगैरह खींचते हैं. This is a full white dogs or reindeer. The lifestyle of Eskimos has changed greatly due to their contact with Europe and North America. अब लोगों का लाइफ स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, यूरोप के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका
के कांटेक्ट में आप धीरे धीरे आ रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड यूजिंग राइफल फॉर हंटिंग, मोटर बोट फॉर फिशिंग, स्टील नाइफ्स एंड स्विमिंग एक्सेट्रा। अब ये लोग क्या क्या यूज करने लगे हैं, राइफल्स वगैरह यूज करने लगे हैं शिकार करने के लिए, मोटर बोट्स वगैरह यूज करने लगे हैं फिशिंग करने के लिए, और नाइफ्स वगैरह यूज करने लगे हैं शिकार करने के लिए। सेविंग नीडल्स मतलब होता है सुई वगैरह यूज करने लगे। मेनी ऑफ देम लिव इन टाउन विद मॉडर्न एमेनिटीज, मतलब अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब टाउन में रहने लगे हैं जहाँ बहुत मतलब सुख सुविधा है। एमेनिटी का मतलब होता है सुख सुविधा है, लाइक शॉप है, दुकानें हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स वगैरह है वहाँ पे। माइनिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग इन दिस एरिया हैव ब्रॉट देम इन कॉन्टेक्ट विद द मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहाँ पे माइनिंग वगैरह बहुत ज्यादा, खदान वगैरह बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके कारण ये मतलब आय निर्यात करते हैं। तो मतलब वर्ल्ड से इन लोगों का कॉन्टेक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। गॉडथॉप इज द बिगेस्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड, ये गॉडथॉप जो है वो बिगेस्ट टाउन सबसे बड़ा टाउन है ग्रीनलैंड का। इट इज द मॉडर्न सेंटर ऑफ ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड का जो है ये लगभग हब माना जाता है, मतलब यहाँ पे सेंटर माना जाता है ट्रेड का। ये हस्टेनबर्ग इज द बिग सिटी एंड हार्बर, ये हस्टेनबर्ग जो है हस्टेनबर्ग यहाँ पे ये एक तरह का बिग सिटी भी है और ये सबसे बड़ा हार्बर भी है, बंदरगाह भी है, जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब कंट्री के अंदर कंट्री के बाहर का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक बिग शिपयार्ड भी है, जहाँ पे बिग शिपयार्ड का मतलब होता है, शिपयार्ड का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे ये बोट्स वगैरह या शिप वगैरह बनाए जाते हैं, और वैसा जगह को शिपयार्ड बोला जाता है, तो वहां पे शिप रिपेयर वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो ग्रीनलैंड लैंड ऑफ आइस एंड स्नो के बारे में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, वाइल्ड लाइफ कैसा, पॉलिटिकल यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, पीपल्स कैसे रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब कैसा है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।